झड़ी और मैं श्रुति। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि वह भी रूस को लगातार माकूल जवाब दे रहा है। खबरों के मुताबिक दोनों ही देशों को खासा नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश तो की जा रही है कि वह तत्काल सैन्य कार्रवाई रोक दे, लेकिन रूस अभी भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इन सब में यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर युद्ध के नियम कायदे क्या होंगे। कहा तो ये भी जाता है कि जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जेनेवा में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें युद्ध को लेकर नियम बनाए गए थे। तो आइए जानते हैं इसी नियम के बारे में विस्तार से। आपको बताते चले कि सन 1939 से लेकर 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। युद्ध में पहली बार परमाणु बम का भी इस्तेमाल हुआ था। तबाही इतनी ज्यादा हुई कि दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एकजुट हुए। इसे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। यहीं पर सबने मिलजुल कर युद्ध के नियम बनाए थे। आपको बता दें कि युद्ध के लिए बनाए गए नियमों में तय किया गया कि जंग कैसे लड़ी जाएगी, युद्ध में किन लोगों पर हमला किया जा सकता है और किन पर नहीं, युद्ध में कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, किन चीजों को टारगेट किया जाएगा, ये तमाम चीजें तय की गई। इन नियमों को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या लॉ ऑफ वार कहा जाने लगा। आपको बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर बने लॉ ऑफ वॉर में 161 नियम बनाए गए। इसे 196 देशों ने मान्यता दे रखी है। ये सभी देश युद्ध के दौरान इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसमें ये भी लिखा गया है कि कब जंग के दौरान लॉ ऑफ वॉर लागू होगा। ये नियम बनाने के पीछे का उद्देश्य उनका संरक्षण करना था जो युद्ध नहीं लड़ते या लड़ने की स्थिति में नहीं होते। आपको ये भी बता दें कि लॉ ऑफ वॉर के मुताबिक अगर किसी देश के अंदर लड़ाई चल रही है तो ये नियम लागू नहीं होंगे। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध हो रहे हो और उनमें हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो ये नियम लागू होंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि कहां और किन लोगों पर नहीं कर सकते हैं हमला। आपको बताते चलें कि लॉ ऑफ वॉर में साफ लिखा गया है कि जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आम नागरिकों के अलावा युद्ध में स्वास्थ्य कर्मियों और पत्रकारों को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। आपको ये भी बताते चलें कि नियम में ये भी लिखा गया है कि रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज और आम घरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। अस्पतालों और मेडिकल यूनिट पर भी हमला नहीं किया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि युद्ध के दौरान ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों पर भी हमला नहीं किया जा सकता। वहीं आम नागरिकों के लिए बनाए गए शेल्टर्स पर भी कोई देश हमला नहीं कर सकता है। और आइए अब ये जान लेते हैं कि क्या नियम तोड़ने पर माना जाएगा युद्ध अपराध। तो आपको बताते चलेंगे किसी भी देश की ओर से हमला करने से पहले चेतावनी जारी करना जरूरी है। बिना चेतावनी दिए कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं शुरू कर सकता। युद्ध प्रभावित इलाकों में आम नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी भी देश पर ही होती है। आम नागरिकों को निकलने से नहीं रोका जा सकता। आपको ये भी बताते चले इन सब में कि युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। युद्ध के दौरान अगर दुश्मन देश की सेना आत्मसमर्पण कर रही हो तो उसके साथ मानवीय व्यवहार बरता जाएगा, उसका सम्मान करते हुए उसकी मदद की जाएगी। युद्धबंदी बनाए गए सैनिकों के साथ भी मानवीय व्यवहार करना जरूरी है, जैसा कि सन 1971 युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना के साथ किया था। आगे आपको ये भी बता दें कि लॉ ऑफ वॉर के मुताबिक यदि कोई देश युद्ध के दौरान नियमों का उल्लंघन करता भी है तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। जी हाँ, लॉ ऑफ वॉर के चैप्टर 44 के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। तो ये रहे वॉर के नियम। आपको इस बारे में क्या कहना है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुल झड़ी के साथ। धन्यवाद।